आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर में शनिवार की रात एक घंटे के भीतर दो जगह आतंकी हमले हुए। पहली घटना अनंतनाग के पहलगाम के पास एक ओपन टूरिस्ट कैंप की है। यहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। कपल राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। पति पत्नी रिजॉर्ट में रुके हुए थे। महिला का नाम फराह और उसके पति का नाम तबरेज है। पति को सिर में गोली लगी है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पत्नी फराह को सीने और कंधे पर चोट आई है, उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। कपल को घटना के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों की हालत को देखते हुए देर रात उन्हें GMC अनंतनाग रेफर किया गया। इसके बाद रविवार सुबह दोनों को श्रीनगर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस घटना के कुछ देर बाद शोपिया के हीरपोरा में रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने लोकल भाजपा नेता एजाज अहमद शेख को गोली मार दी। एजाज अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। घटना को लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में दोनों हमले तब हुए जब यहाँ आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।